चेस्ट फ्रीजर और चेस्ट कूलर की इंस्टॉलेशन। यूनिट को समतल जगह पर इंस्टॉल करें और ध्यान रखें कि इंस्टॉलेशन की जगह हवादार हो। सतह मजबूत होनी चाहिए। ध्यान दें, यूनिट के ऊपर किसी भी तरह से धूप ना पड़े और किसी भी प्रकार के हीट सोर्स जैसे कि हीटर, रेडिएटर या स्टोव आदि से उचित दूरी पर रखें। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, यूनिट के चारों तरफ और कंप्रेसर के तरफ कम से कम 20 सेंटीमीटर का गैप हो जरूरी है, जिसे कंडेंसेशन ठीक से हो और कंप्रेसर की ट्रिपिंग से बचा जा सके। यूनिट को पावर सप्लाई से जोड़ते समय पावर पॉइंट में वोल्टेज 220 वोल्ट एसी से लेकर 240 वोल्ट एसी के बीच हो सुनिश्चित करें और अर्थिंग जरूर हो। इसे दिखाए गए पिक्चर के अनुसार चेक करें। यूनिट में दो इंडिकेटर लगे हैं, एक हरे रंग का है जो यूनिट में पावर सप्लाई को दर्शाता है और दूसरा लाल रंग का इंडिकेटर ये बताता है कि यूनिट के अंदर का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है। यदि यूनिट में ज्यादा फूड लोड करने पर, ज्यादा देर तक डोर ओपन करने पर या फिर बार बार पावर फेल होने की वजह से ये लाल लाइट जल जाएगी। थर्मोस्टेट की नोब को मिनिमम और मैक्सिमम के बीच किसी भी सिक्के की सहायता से सेट किया जा सकता है। चेस्ट कूलर में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित रखा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की बोतल बंद पेय पदार्थों या खाद्य सामग्री को स्टोर किया जाता है। याद रखें, यूनिट को इंस्टॉल करने के बाद 24 घंटे तक खाली चलाना जरूरी है, उसके बाद ही यूनिट में लोड रखें। वहीं चेस्ट फ्रीजर का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस से -22 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित किया जाता है और इसमें आइसक्रीम या फ्रोजन फूड को स्टोर किया जाता है। हर एक यूनिट में लोड करने की अधिकतम सीमा इस लाल तीर से दर्शाया गया है। यूनिट में लोड उसकी क्षमता के अनुसार ही करें।